नमस्कार। कक्षा 9 एक्सरसाइज 2.5, इसका क्वेश्चन नंबर 9 है। उसका दूसरा भाग आज हम कर रहे हैं। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को हमने सिद्ध करना है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर के बराबर, जैसा कि हमने फर्स्ट भाग में किया था। यहां मैं इसकी सबसे पहले ले रहा हूं लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। और इसे हल करने के लिए बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस x को इस x से, फिर इससे, फिर इससे, ये तीनों रकमों से x गुना होगा, फिर ये y इन तीनों रकमों से गुना होगा। ठीक है बच्चों, तो आइए करके देखते हैं। x को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो आएगा x की पावर 3 प्लस इंटू प्लस प्लस। x को एक्स वाई से गुना करेंगे, x गुना x हो जाएगा एक्स स्क्वेयर साथ में y, फिर y स्क्वेयर के साथ x गुना होगा तो x गुना y स्क्वेयर हो जाएगा एक्स वाई स्क्वेयर। अब हम गुना करेंगे इसको, माइनस वाई को एक्स स्क्वेयर से आएगा माइनस वाई एक्स स्क्वेयर, तो x वाली बात पहले y वाली बाद में लिखते हैं, तो यह है, पहले तो निशान लगाओ माइनस वाई गुना एक्स स्क्वेयर हो गया एक्स वाई एक्स स्क्वेयर, जिसको हम लिखते हैं एक्स स्क्वेयर वाई। उसके बाद माइनस वाई इंटू प्लस एक्स वाई, माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस वाई इंटू एक्स वाई, एक्स वाई इंटू वाई हो जाएगा वाई स्क्वेयर, तो वाई स्क्वेयर एक्स की जगह इसको एक्स वाई स्क्वेयर लिखते हैं। उसके बाद माइनस इंटू प्लस होता है माइनस वाई इंटू वाई स्क्वेयर हो जाएगा वाई की पावर। ठीक है बच्चों, इन दोनों ब्रैकेट्स को हमने आपस में गुना किया तो हमें ये प्राप्त हुआ। ठीक है, अगर ये स्टेप ना समझ आए हो स्टेप पीछे जाकर दोबारा देखो, बहुत आसान है ये। ठीक है बच्चों, अब आप ध्यान से देखना, ये एक्स क्यूब है, यहां और कोई एक्स क्यूब वाली रकम नहीं है, तो इसको ऐसे ही मैंने नीचे उतार दिया। अब आगे देखिए, आगे हमारे पास यहां बचा है एक्स स्क्वेयर वाई प्लस का प्लस एक्स स्क्वेयर वाई, और ये एक्स स्क्वेयर वाई नहीं है, ये तो एक्स वाई स्क्वेयर है, ये समान पद नहीं है, तो एक्स स्क्वेयर वाई ढूंढो। देखो ये आ गया एक्स स्क्वेयर वाई, ये सेम है, देखो ध्यान से, ये वाला और ये वाला एक्स स्क्वेयर वाई, एक्स स्क्वेयर वाई इसके साथ प्लस, इसके साथ माइनस। ठीक है, तो ये प्लस एक्स स्क्वेयर वाई से माइनस एक्स स्क्वेयर वाई कट जाएगा। इसी प्रकार से ये है एक्स वाई स्क्वेयर, ये भी है एक्स वाई स्क्वेयर, देखो एक्स वाई स्क्वेयर, एक्स वाई स्क्वेयर, ये है प्लस का, ये है माइनस का, तो ये प्लस एक्स वाई स्क्वेयर माइनस एक्स वाई स्क्वेयर से कट जाएगा। ठीक है, बाकी बच गया माइनस वाई क्यूब, इस माइनस वाई क्यूब मैं यहां उतार देता हूं। अब आप ध्यान से देखेंगे कि एक्स क्यूब और वाई क्यूब ये आपस में समान पद नहीं है, ये एक्स क्यूब है, ये वाई क्यूब है, तो ये आपस में प्लस माइनस हो नहीं सकते। और ध्यान से देखेंगे तो ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब यही आपके क्वेश्चन का लेफ्ट साइड था ना, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसका मतलब सॉरी यहां मैंने ना गलती कर दी, ये राइट हैंड साइड है, राइट साइड है ना ये क्वेश्चन की, लेफ्ट तो ये है, ये राइट साइड है, तो ये राइट साइड को हमने सॉल्व करते 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 एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बनाना, जो कि बनाया है, जो कि हमारे क्वेश्चन की है लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गई, तो अब आप लिखेंगे अतः सिद्ध हुआ कि ये वाला एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर के। ठीक है, तो ये भी बच्चों एक सर्व समीका है, एक फॉर्मूला है जो हमारे आगे चलकर बहुत काम आता है, इसे भी आपने याद रखना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें ये सिद्ध करना था कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर के। हमने राइट साइड ली, ये दो ब्रैकेट्स को आपस में गुना किया, जो आपस में उल्टे निशान वाला कटता था वो काट दिया, तो हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बचा, यही हमारी लेफ्ट साइड थी, तो सिद्ध हो गया कि ये फार्मूला इसके बराबर है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ आया होगा,
यदि समझ आया तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि हमें और ज्यादा मेहनत से वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। धन्यवाद बच्चों।